नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। 1 मार्च से आपका मोबाइल वॉलेट खाता बंद होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार देश भर में कार्यरत 95% मोबाइल वॉलेट बंद हो जाएंगे। इससे लोगों को ऐसे खाता का परिचालन बंद करना होगा। 28 फरवरी है आखिरी तारीख। देश भर में कार्यरत सभी मोबाइल कंपनियों को 28 फरवरी तक अपने ग्राहकों की केवाईसी पूरी करनी है। हालांकि अभी तक ज्यादातर कंपनियों ने अपनी केवाईसी पूरी नहीं किया है। ऐसे में 1 मार्च से इन मोबाइल वॉलेट के बंद होने का खतरा बरकरार हो गया है। मिली इतनी राहत, रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 28 फरवरी के बाद भी उनके वॉलेट में पड़ा बैलेंस खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही वॉलेट में पड़े पैसों का इस्तेमाल सामान खरीदने में भी किया जा सकता है। पैसों को भी वे अपने अकाउंट में भेज सकते हैं। केवाईसी के बिना वॉलेट में पैसा नहीं होगा लोड। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक 1 मार्च से बिना केवाईसी के लिए वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे। इसके साथ ही किसी को भी पैसा भेज भी नहीं सकेंगे। आरबीआई के सख्त दिशा निर्देश के चलते ऐसा होने जा रहा है। आरबीआई का सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को निर्देश है कि वे अपने यूजर्स की बेसिक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। कुछ कंपनियां अफवाह रही थी फैला। हालांकि कुछ मोबाइल वॉलेट कंपनियां ग्राहकों के बीच यह अफवाह फैला रही थी कि उनकी सर्विस 1 मार्च के बाद भी बिना केवाईसी ग्राहकों के लिए सुचारू रूप से चलती रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार केवाईसी करवाना अब भी अनिवार्य है। मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अहम आदेश को पूरा नहीं किया है। इन कंपनियों पर पड़ेगा असर। आरबीआई के देश में लाइसेंस प्राप्त सभी वॉलेट कंपनियों को अपने अपने ग्राहकों का केवाईसी नॉर्म्स पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2018 का वक्त दिया था। ज्यादातर कंपनियां आरबीआई के आदेश पूरा नहीं किया है। अगर फरवरी तक यह पूरा नहीं हुआ तो देश भर में कई कंपनियों के मोबाइल वॉलेट बंद हो जाएंगे। देश भर में पेटीएम, मोबिक्यो, SBI योनो, HDFC, पेजैप, एम पैसा, एयरटेल मनी, चिल्लर, अमेजन पे, फोन पे प्रमुख मोबाइल वॉलेट कंपनियां हैं। बता दें कि पेटीएम एकमात्र ऐसा मोबाइल वॉलेट है जिसमें कंपनियों का प्रतिनिधित्व आपके घर या ऑफिस आकर के केवाईसी की औपचारिकता को पूरा करता है। आप कंपनी की तरफ से बने केवाईसी सेंटर जाकर भी इस औपचारिकता को पूरी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पेटीएम के ऐप पर जाके बेसिक केवाईसी को आधार के जरिए पूरा करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।